Hey, what's up guys, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों मैं हूं दीपक, आप सभी का स्वागत करता हूं बड़ा टेक्निकल पे। दोस्तों आज के इस नॉलेजेबल वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं गाइस अपने YouTube चैनल को YouTube के सर्च बार में सबसे ऊपर लेके कैसे आ सकते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने YouTube चैनल ओपन कर लिया है और आप जब सर्च करते हो अपने YouTube चैनल को सर्च बार में, आपका चैनल जो है सर्च में कहीं दूर दूर तक नहीं दिखता है, जैसा कि मेरा एक नया YouTube चैनल के साथ हो रहा है। नया YouTube चैनल जो मैंने ओपन किया है आपको दिखाने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो गाइस उसके साथ ही मेरा यही प्रॉब्लम है। तो मैं सोचा कि उसी प्रॉब्लम को अभी मैं जितना भी टेक्निक्स में शेयर करूंगा आपके साथ, उन्हीं टेक्निक्स को मैं उस पर इंप्लीमेंट करके और मैं आपको बताऊं कि कैसे मैं अपने चैनल को जो है वह सर्च बार में सबसे ऊपर लेके आ गया। तो गाइस चलिए जानते हैं कि हम लोग इसे कैसे कर सकते हैं। सो गाइज अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि गाइज आपको इस तरह की कंटेंट आपको मिलती रहती है हमारे इस चैनल पे। और गाइज बेल आइकन को जरूर दबा देना, आपको ये काम कर लेनी है। और गाइज चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये पांच तरीके मैं आपको बताऊंगा, ये पांच तरीके, ठीक है? और पांच तरीके का यूज करके आपका चैनल जो है सबसे ऊपर आ जाएगा। चलिए मैं शुरू करते हैं और पांच तरीके जानते हैं कि ये पांच तरीके क्या है, ठीक है? जब हम अपना YouTube चैनल को ओपन कर रहे होते हैं, सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि हम अपना नेम रखने में ही गलती कर देते हैं। नेम रखने में क्या गलती होती है कि हम अपने YouTube चैनल के लिए कैचेबल नेम जो है वो फाइंड नहीं कर पाते हैं, या फिर सोचते नहीं है और फटाफट से जो सोचा वो नेम रख के कंप्लीटली ऑन कर देते हैं YouTube चैनल को। ये सबसे बड़ी गलती हम लोगों की होती है। सर शुरू में बात करें तो हम भी ऐसे ही गलती किए थे कि हम अपना YouTube चैनल जो है वह नेम कुछ अलग रखे थे। बहुत ही अटपटा सा नाम था, बहुत ही बड़ा नाम था, जिसकी व्यूवर्स को समझ में नहीं आता था वो नेम। तो हम लोग को क्या करना है कि अपना YouTube चैनल का नेम जो है वह यूनिक रखना है। यूनिक कहने का मतलब क्या कि कुछ कैजुअल नेम होना चाहिए, और जो नेम आपने सोचा हुआ है अपने YouTube चैनल के लिए उसे आप पहले YouTube पे सर्च करके देखिए कि उसके रिगार्डिंग पहले से जो है वह चैनल है या फिर नहीं है। ऐसा नहीं कि मेरा मान लीजिए बड़ा टेक्निकल चैनल का नाम रख रहे हैं, जैसे बड़ा फैक्ट्स चैनल का नाम रख रहे हैं और पहले से ही बड़ा फैक्ट्स के नाम से 10-15 चैनल पहले से उपलब्ध है, तो ऐसे में आपका चैनल जो है वह कहीं पे दिखेगा ही नहीं। तो आपको क्या करना है कि आपका चैनल जो है वह यूनिक हो, बिल्कुल ही यूनिक नेम हो। और गाइज यूनिक नेम के लिए आपको क्या करना है, दो काम करना है कि आपको एक इंग्लिश वर्ड और एक हिंदी वर्ड दोनों को कंबाइन करके आपको अपना जो है यूट्यूब चैनल को बनाना है। जैसे कि आप, मैं एग्जांपल बता देता हूं, कुछ मैं आपको हिंट्स दे देता हूं। जैसे कि मेरा चैनल का नाम है बड़ा टेक्निकल, बड़ा फैक्ट्स, और गाइज आपको बता दूं महात्मा जी टेक्निकल, टेक्निकल गुरु जी, इस तरीके के आप जब नाम सुनते होंगे तो गाइज आपको पता चलता होगा कि इसमें इस लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने क्या किया कि हिंदी नेम और इंग्लिश नेम दोनों को कंबाइन करके और काफ़ी यूनिक और कैचेबल नेम को बनाया हुआ है। तो आपको भी कुछ ऐसा ही फाइंड करना है, ठीक है? तो आप मान लीजिए आपका चैनल जो है वो अब कंप्लीट हो गया, नेम तो कंप्लीट हो चुका है आपका, फर्स्ट काम कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड काम क्या करना है गाइज, आपको सेकंड काम करना क्या है कि सबसे पहली गलती हम लोग क्या करते हैं, जो YouTube आपको एक टूल उपलब्ध कराता है, YouTube क्या टूल उपलब्ध कराता है कि आपको अपना चैनल के रिगार्डिंग जो है वो कुछ कीवर्ड्स आपको उसमें सेट करनी होती है। जैसे कि कोई व्यूअर्स आपके चैनल को सर्च करे तो आपके चैनल जो है वो सबसे पहले आ जाए उनके पास, ठीक है? तो आप उसमें गलती क्या होता है कि हम लोग उस कीवर्ड्स को वहाँ पे सेव ही नहीं करते, क्योंकि हम लोग को पता ही नहीं होता, जैसे कि शुरू में हमको भी पता नहीं था, तो हम लोग उसमें वही गलती करते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको अपने चैनल के रिगार्डिंग जितने भी कीवर्ड्स हैं उनको वहाँ पे देके सेट करना है। वो कैसे करते हैं, चलिए मैं अभी मोबाइल स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम अपने कीवर्ड्स को यहाँ पे सेट करते हैं। तो कीवर्ड्स को आपको सेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो गाइज मैंने अपना क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लिया है और यहाँ पे आपको सर्च करना है youtube.com। ओके गाइज आपको जैसे ही youtube.com सर्च करते हैं और सर्च बार पे क्लिक करोगे तो गाइज आपका YouTube जो है वह इसमें ओपन हो जाएगा। और गाइज यहाँ पे आपको चेक कर लेना है कि आपका जो है ये डेस्कटॉप मोड में है या फिर नहीं है। जैसे कि मैं अपने चेक कर लेता हूँ तो यहाँ पे डेस्कटॉप मोड मैंने कर दिया हुआ है, तो आपको भी डेस्कटॉप मोड जो है वह कर लेनी है। आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। डेस्कटॉप मोड करने के बाद गाइज आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे अपने चैनल का लोगो दिखाई देगा। जैसे मैं भी आपको साइन करके दिखा देता हूँ कि आपको यहाँ पे साइड में लोगो दिखाई देगा, आपको इस लोगो पे क्लिक कर देनी है। जैसे आप इस लोगो पे क्लिक करोगे तो गाइज आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेगा, तो गाइज यहाँ पे आपको अपना चैनल पे क्लिक कर देना है। योर चैनल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो गाइज आपका चैनल जो है वो ओपन हो जाएगा। जैसे ही आपका चैनल ओपन होता है तो गाइज अब आपके चैनल, देखिए मेरा चैनल जो है बड़ा फैक्ट्स में, इसमें अभी तक मैंने कोई वीडियोज नहीं अपलोड किया हुआ है। अब आपको क्या करना है गाइज, आपका जो यहाँ पे लोगो दिखाई दे रहा है इस पर आपको डबल टैप करना है। जैसे ही आप डबल टैप करेंगे तो गाइज अभी ये जो है वो ओपन हो जाएगा, यानी कि आपका चैनल जो है वो ओपन हो जाएगा, आपका स्टूडियो जो होता है। तो और गाइज मेरा स्टूडियो जो है वो ओपन हो चुका है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है गाइज, आपको तीन चीज़ लेयर दिखाई देगा, ठीक है, लेआउट दिखाई देगा, ब्रांडिंग दिखाई देगा और बेसिक इन्फॉर्मेशन, इस तरीके की जो है आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे। बट आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नीचे में मिलेगा गाइज, जो कि आपका सेटिंग्स का एक लोगो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो गाइज इसके बाद जो है आपको तीन चार ऑप्शंस फिर से दिखाई देंगे। बस आपको क्या करना है गाइज कि यहाँ पे देखिए सेटिंग्स में आप जाएंगे तो गाइज यहाँ पे आप जितने भी ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपको क्या करना है गाइज कि चैनल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे मैं भी आपको साइन करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे चैनल का ऑप्शन मिल जाता है। आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो गाइज आपके सामने में बहुत सारी चीज़ें दिखाई देगी। अब जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे गाइज बेसिक इन्फॉर्मेशन पे तो गाइज आपको जो है यहाँ पे मिल जाएगा कीवर्ड्स का ऑप्शन।
अब आपको क्या करना है कि गाइस, जैसे कि मेरा चैनल का नाम है बड़ा फैक्ट्स, तो मैंने अपना जो है बड़ा फैक्ट्स चैनल का नाम लिख दिया है। मेरा नाम दीपक है तो मैंने दीपक लिख दिया है। और सारे जो है बहुत सारे फैक्ट्स चैनल जो अदर हैं उनके व्यूज़ अच्छे अच्छे आते हैं, तो गाइस मैंने उन सभी के चैनल्स के नाम भी यहाँ पे डिनोटेट कर दिया, क्योंकि आगे आने वाले समय में हमें बहुत सारे वर्क जो है उसकी होने वाली है, यानी बहुत सारे काम पड़ने वाले हैं। सो इस तरीके से आपको जो है सारे जो है वह कीवर्ड्स को यहाँ पे डाल देने हैं। और यहाँ पे जैसे आप जो है 500 अक्षर में, यानी कि 500 लेटर्स में जो है आप इसमें लिख सकते हो। और गाइस ये सभी चीज़ करने के बाद आपको यहाँ पे सेव का नीचे में ऑप्शन मिलेगा। गाइस आपको सेव पे निश्चित ही क्लिक कर देना है, क्योंकि सेव पे जब तक क्लिक नहीं करोगे तो गाइस आपका जो है सभी काम जो है वो अधूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन मिल जाता है, आपको सेव कर देनी है, यानी कि आपका ये काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए नेक्स्ट चीज के बारे में हम लोग समझते हैं। तो गाइस दो चीज को हम लोगों ने कम्प्लीटली समझ लिया है, एक कि नेम रखना, यूनिक नेम रखना, और दूसरा कि गाइस कीवर्ड्स को कैसे हम लोग वहां पे सेट करते हैं। अब चलिए तीसरे चीज के बारे में हम लोग समझते हैं। तीसरा आपको क्या करना है गाइस, कि अब अपने YouTube चैनल को आपको जो है वीडियोस को वहां पे अपलोड कर देनी है, यानी कि 3 से 4 वीडियो आपको करीब जो है वहां पे अपलोड कर देना है अपने चैनल पे। ठीक है, अपलोड करने के बाद आपका कंप्लीट एक काम तो ये भी कंप्लीट हो चुका है, आपने वीडियो जो है वहां पे अपलोड कर दिया, यानी कि 3 काम आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपको फोर्थ नंबर में क्या करना है कि आप अपने YouTube वीडियोस में जो भी YouTube वीडियोस को वहां पे आप डाल रहे हो उसके आप टैग्स में, उसके टैग में नीचे में टैग जो भरने लगते हो, तो वहां पे अपना चैनल का नाम निश्चित ही लिखना। ठीक है, अपना चैनल का नाम, जैसे मेरा चैनल का नाम बड़ा टेक्निकल, तो मैं टैग में बड़ा टेक्निकल जरूर जरूर लिखता हूं। मैं अपना नाम भी लिखता हूं दीपक, ठीक है, और बड़ा टेक्निकल दीपक, ये सब करके मैं कुछ कीवर्ड जो है वहां पे डाल देता हूं। और सेकंड में क्या करना है आपको कि अपने चैनल के लिए आप जो अपने YouTube वीडियोस को डाल रहे हो उसके लिए आपको एक जो है वो हैशटैग लगाना है। क्या हैशटैग? जैसे कि अपने चैनल के लिए हैशटैग बड़ा टेक्निकल, हैशटैग बड़ा फैक्ट्स, इस तरीके से जो मेरे चैनल का नाम है उसके लिए मैंने आपको बता रहा हूं एग्जांपल के साथ। तो आपको ये काम भी कर लेनी है। तो 4 काम कंप्लीट हो चुका है आपको, कि आपने अपना हैशटैग भी यूज़ कर लिया और अपना अपना कीवर्ड्स में, अपने जो है वो टैग्स में अपना चैनल का नेम भी आपने सेट कर दिया। ये काम आपको कंप्लीटली कर लेनी है। मान लेते हैं कि हम लोगों ने ये 4 चीज़ों को पूरा जो है इंप्लीमेंट कर दिया अपने चैनल पे, फिर भी जो है वो लिस्ट में, सर्च लिस्ट में नहीं आ रहा है। अब एक गलती और भी है, यानी कि एक जो है, अब मैं बोनस टिप्स दे रहा हूँ। ये बोनस टिप्स क्या है गाइस, कि अब आपको अपने YouTube वीडियो में, YouTube पे जो चैनल पे जो वीडियोस आपने अपलोड किया हुआ है, अब उसको शेयर पे क्लिक करना है, और शेयर पे क्लिक करने के बाद आपको 10 दोस्तों के साथ उसे शेयर करना है। व्हाट्सएप पे कर सकते हो, फेसबुक पे कर सकते हो, आपकी इच्छा, लेकिन 10 दोस्तों के साथ आपको शेयर करना है और उससे सब्सक्राइब करवा लेना है, यानी कि आपके 10 सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए। अब बोलेगा क्या 10 सब्सक्राइबर कैसे होगा? क्या 10 सब्सक्राइबर आपके नहीं हो सकते हैं? 10 फ्रेंड्स आपके नहीं है कि जो आपको सब्सक्राइब कर सके यूट्यूब पे? वो तो बिल्कुल आप ये 10 मिनट आपको लगेगा भी नहीं, अगर आप ओनली वन मैसेज करते हो भाई सब्सक्राइब कर दो, तो बिल्कुल आपके 10 फ्रेंड जो आपके जिगरी दोस्त होंगे वो जरूर कर देंगे, और आपके 10 सब्सक्राइब जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे। अब आप लिखिए YouTube चैनल का नाम अपने YouTube के सर्च बार में, देखिए आपका चैनल जो है वह सर्च में आता है या फिर नहीं आता, यानी कि आपका चैनल अभी 100 ऊपर में कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ये 500 टेक्निक्स को मैंने अपने चैनल पे इंप्लीमेंट किया बड़ा फैक्ट पे, और मेरा बड़ा फैक्ट चैनल जो है वह सर्च बार में सबसे ऊपर अभी शो करना स्टार्ट कर दिया है। तो गाइस आई होप कि आपका चैनल भी जो है वह सर्च बार में सबसे ऊपर जो है वह शो करना स्टार्ट कर दिया होगा। आप हमें कमेंट पे जरूर बताना गाइस कि आपका चैनल जो है वह सर्च बार में सबसे ऊपर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है इन 5 टेक्निक्स को इंप्लीमेंट करने के बाद। ठीक है, आप लेकिन 5 टेक्निक्स को इंप्लीमेंट कर देना। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर करना गाइस। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।